दोस्तों आपने सुना होगा कि सफलता उसी के कदम चूमती है जो मेहनत करना जानता हो। आज की हमारी वीडियो भी हमारे देश के सैकड़ों खिलाड़ियों की मेहनत, लगन और संघर्ष की कहानी बयां करती है। दरअसल भारत क्रिकेट का सबसे बड़ा गढ़ है और यहाँ पर क्रिकेट के खिलाड़ियों को भगवान तो इस खेल को धर्म का दर्जा दिया जाता है। और शायद यही वजह है कि आज के समय भारतीय टीम क्रिकेट के हर प्रारूप, चाहे टेस्ट हो, वनडे हो या फिर T20 ही क्यों ना हो, हर जगह पर अपनी धाक जमा कर बैठी हुई है। लेकिन दोस्तों भारत में क्रिकेट को इस पायदान पर पहुंचाना इतना आसान काम नहीं था, क्योंकि शुरुआती समय में जब भारत ने इस खेल को खेलना स्टार्ट किया उससे पहले कई और भी देश इस खेल में महारत हासिल कर चुके थे। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम भारतीय क्रिकेट की पूरी हिस्ट्री को जानते हैं कि किस तरह शुरुआती कई दशकों तक एक भी मैच दूसरे देशों से ना जीत पाने वाला भारत आज क्रिकेट की दुनिया में राज कर रहा है। तो दोस्तों वैसे तो भारत में पहली बार क्रिकेट मैच 1721 में ही खेलना स्टार्ट कर दिया गया था, लेकिन यह तो बस एक शुरुआत भर थी, क्योंकि इसके बाद से पहली बार 1848 में पारसी समुदाय के लोगों ने इस खेल को आगे बढ़ाने के लिए ओरिएंटल क्रिकेट क्लब नाम का एक क्लब बनाया। लेकिन क्लब बनाने के बाद भी इस खेल में भारत के लोगों की काफी धीमी शुरुआत रही। हालांकि समय बीतने के साथ लोगों की पसंद बदली और साल 1900 के बाद से भारतीय लोगों ने क्रिकेट को अच्छी तरह से खेलना स्टार्ट किया। और फिर 1912 आते आते बॉम्बे के पारसी, सिख, हिंदूज और मुस्लिम्स हर साल यूरोपियन से टूर्नामेंट खेलने लगे। और इसी बीच भारत के कुछ दिग्गज खिलाड़ियों को इंग्लैंड क्रिकेट टीम की तरफ से खेलने का भी मौका मिला, जिनमें सबसे मशहूर खिलाड़ी रणजीत सिंह जी और KS दुलीप सिंह जी हैं। और इन्हीं दिग्गजों के नाम ही आगे चलकर भारतीय क्रिकेट के दो घरेलू टूर्नामेंट के नाम यानी कि रणजी ट्रॉफी और दुलीप ट्रॉफी रखे गए। और फिर भारतीयों के अच्छे खेल को देखते हुए 1932 में CK नायडू की कप्तानी में भारतीय टीम को पहली बार इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच खेलने के लिए बुलाया गया। लेकिन भारतीय टीम उस टाइम इंग्लैंड के सामने इतनी कमजोर थी कि इन्हें हराने में इंग्लैंड को कोई भी दिक्कत ही नहीं आई। और फिर 1933 में पहली बार इंग्लैंड की टीम भारतीय जमीन पर टेस्ट सीरीज खेलने आई, लेकिन यहाँ पर भी उन्होंने भारत को 2-0 से मात दे दी। और फिर 1930 और 40 के दशक में भारतीय टीम ने अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए जी तोड़ मेहनत की, लेकिन उन्हें अभी तक कोई भी अंतर्राष्ट्रीय जीत नहीं मिल पाई थी। और फिर इसी बीच दूसरा वर्ल्ड वार भी शुरू हो गया और इस दौर में कोई भी टूर्नामेंट नहीं खेला गया। साथ ही इस समय भारत के वीर भी देश को आजाद करवाने में लगे हुए थे। और फिर 1947 में भारत के आजाद हो जाने के बाद से भारतीय टीम ने अपनी पहली टेस्ट सीरीज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली, और यह पहली बार था जब भारत इंग्लैंड के अलावा किसी और देश के साथ मैच खेल रहा था। हालांकि यह सीरीज भी भारत 4-0 से हार गया। और फिर 1948 में अपने होम ग्राउंड पर पहली बार इंग्लैंड के अलावा भारत ने वेस्टइंडीज से 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली, लेकिन यहाँ भी वेस्टइंडीज 1-0 से जीत गई। और दोस्तों अभी तक भारत क्रिकेट के खेल में अपने आप को बेहतर तो कर रहा था, लेकिन कोई भी इंटरनेशनल मैच जीतने में सफल नहीं रहा था। और फिर पहली बार भारतीय टीम की मेहनत रंग लाई 1952 में, जब भारतीय टीम ने अपना पहला टेस्ट मैच इंग्लैंड के विरुद्ध जीता। और फिर इस जीत के बाद से भारत ने साल के अंत तक पाकिस्तान को भी पूरे सीरीज में मात दे दी, और इस तरह से भारतीय टीम पहली बार टेस्ट सीरीज जीतने में कामयाब रही। और फिर जल्दी 1956 में एक बार फिर से भारतीय क्रिकेटर्स की मेहनत रंग लाई और भारत ने न्यूजीलैंड को भी हराकर सीरीज अपने नाम की। हालांकि यहां से अगले कुछ साल भारत को लगातार हार का सामना करना पड़ा, लेकिन भारतीय टीम ने 1961-62 में फिर से वापसी की और इस बार उन्होंने इंग्लैंड को भी पूरे सीरीज में मात दे डाली। और अब इस तरह से भारत क्रिकेट के खेल में धीरे धीरे ही सही, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी छाप छोड़ रहा था। आगे चलकर 1971 में क्रिकेट के नए प्रारूप वनडे इंटरनेशनल की शुरुआत हुई और भारत को अब टेस्ट क्रिकेट में भले ही एक एवरेज टीम माना जाने लगा था, लेकिन ODI में टीम बिल्कुल ही कमजोर थी और इसीलिए भारतीय टीम पहले दो वर्ल्ड कप में पहले राउंड से आगे नहीं जा सकी। लेकिन तीसरे वर्ल्ड कप में कपिल देव, रवि शास्त्री और इन्हीं की तरह ही कई और भी तेज तर्रार खिलाड़ियों की मदद से भारत ने डिफेंडिंग चैंपियंस वेस्टइंडीज को बुरी तरह से हरा दिया और एक कमजोर टीम अब वर्ल्ड कप जीतकर पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन कर चुकी थी। हालांकि अभी भी भारत को सब कॉन्टिनेंटल के बाहर एक कमजोर टीम ही माना जाता था, लेकिन भारत ने 1990 के दशक में खूब मेहनत की और इस दौर में भारत को सचिन, गांगुली, लक्ष्मण और द्रविड़ की तरह ही कई सारे महान खिलाड़ी मिले, जिन्होंने भारतीय क्रिकेट को एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। और फिर 17 फरवरी 2005 को क्रिकेट के एक नए प्रारूप T20 की भी शुरुआत की गई और T20 का पहला वर्ल्ड कप भी भारत ने 2007 में अपने नाम किया।
साथ ही बेहतरीन खिलाड़ियों ने 2011 के 50 ओवर्स वर्ल्ड कप को भी भारत के झोली में ला डाला। और अब एमएस धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा और शिखर धवन की तरह ही महान बल्लेबाज और भुवनेश्वर कुमार, जसप्रीत बुमराह, उमेश यादव, मोहम्मद शमी, कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल की तरह ही महान गेंदबाजों ने भारतीय क्रिकेट टीम की कमान संभाली हुई है। और जिस तरह से भारतीय टीम आजकल खेल रही है, उस हिसाब से तो यही लगता है कि 2019 का वर्ल्ड कप भी भारत जरूर जीतेगा। उम्मीद करते हैं कि भारतीय क्रिकेट की यह हिस्ट्री आपको जरूर पसंद आई होगी। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।